नहीं गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो एडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में है वीडियोस। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारी वीडियोस को वन बाय वन देखना है ताकि आप एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर पाए। अगर आपको अच्छे तरीके से करनी है तो मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में पक्का विजिट करें। सिंपल सा प्रोसेस है, यूट्यूब में जाना है, कॉमर्स ही पाठ वाला आपको सर्च करना है और इग्नू बीकॉम न्यू नाम से आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। यहाँ पे देखो इग्नू बीकॉम न्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ आईबीओ कह रहा हूँ बीसीओसी 131 से लेकर के बीसीओसी 138, बीसीओसी बी कोला 138 और बीसीओएस 183 184। इसके अलावा जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट है जिसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी वन बाय वन। आप उस प्लेलिस्ट के सारे के वीडियोस जो है आप एक एक करके देख पाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा लें और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, इस जर्नल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में जाना है और फिर इस जर्नल वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान जो की एक्सक्लूसिवली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट में मिल जाएंगे, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, आप ऑन डिमांड लेक्चर्स बनवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए यू कैन कॉल मी। और आपको ये पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको मोर अबाउट डॉट्स में जाना है और यहाँ पे व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको ये सारी की सारी बेनिफिट जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो फिर ये तो बात हो गई इसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So, जैसा कि हर बार कहा जाता है कि जिस तरीके एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं, यहाँ पे देखो बताया जाए, जैसा कि हर बार कहा जाता है कि एक कॉइन के दो साइड होते हैं, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द कंप्यूटर। उसी तरीके से कंप्यूटर के भी दो साइड्स हैं, एक तरफ है उसका फायदा और दूसरी तरफ है उसका नुकसान। तो जिस तरह से कंप्यूटर का फायदा है वैसे ही उसका नुकसान भी है। एज वी नो एडवांटेज कम्स विद डिसएडवांटेज, जैसा कि हमको पता है कि एडवांटेज जो है वो हमेशा डिसएडवांटेज के साथ ही आता है ना। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है, देखो कि कंप्यूटर जो है सबसे पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, इसकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई आईक्यू नहीं है, राइट, इसका कोई विजडम नहीं है, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, है ना। और ये इसके जो एडवांटेजेस हैं ये जो मैंने अभी आपको बताई है वो सारी हैं। बट यहाँ पे जो मेन जो रियल जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, वो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जब भी देखना कहीं पे कंप्यूटर सिस्टम लगाया जाता है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो लोग उस काम को मैनुअली कर रहे होते हैं, जिस काम के लिए कंप्यूटर लगाया गया है, उन लोगों की छुट्टी कर दी जाती है, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके जगह कंप्यूटर ने ले लिए। पहले के टाइम पे जब किसी काम को करना होता था तो लोग मैनुअली कागज में उसको मेंटेन करके रखते थे, बट अभी के टाइम पे सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, कंप्यूटर पे जाओ फटाफट चीजों को करो, एक ही आदमी जो है 100 लोगों के काम को आसानी से कर पा रहा है। बट पहले अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग हुआ करते थे। सो एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको रिड्यूस किया है कंप्यूटर ने, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज हम जब बोल सकते हैं। सो वी कैन सीयरली सी अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद द इमर्जेंट टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज कमिंग टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड सच एज आईओटी, एआई, ब्लॉकचेन, ह्यूमन रोबोट्स, ह्यूमन असिस्टेंस, ईटीसी। तो ये सारी यू नो एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर्स के, टाइप्स है कंप्यूटर्स के आप बोल सकते हो, जो कि एक तरीके से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको रिड्यूस करता जा रहा है। ह्यूमन रोबोट्स आ गए हैं, यू नो जो सर्वेंट होते हैं उसके जगह पे रोबोट्स ने उनकी जगह ले ली है, राइट। सो एज कंप्यूटर्स बिकम स्मार्टर एंड मोर केपेबल, दीज टेक्नोलॉजीज हैव टेकन ओवर द ट्रेडिशनल जॉब्स एंड रिड्यूस न्यू एमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट एक्सटेंट, है ना। तो जिस तरीके से ये कंप्यूटर जो है समय के साथ और स्मार्टर होते जा रहे हैं और ज्यादा केपेबल होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजीज है वो धीरे धीरे टेक ओवर कर लेगी जो ट्रेडिशनल जॉब्स होते हैं उसके ऊपर, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती थी जनरली लोगों के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होनी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। सो रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नाउ पोटेंशियल लॉस ऑफ प्राइवेसी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर में जब आप किसी चीज को स्टोर करके रखते हो और अगर आप उस डेटा को सिक्योर करके नहीं रख पाते, सिक्योरिटी अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो आपकी प्राइवेसी के साथ यू नो लॉस होने का चांसेस रहता है। हो सकता है कि आपकी प्राइवेट चीजें कोई और एक्सेस कर ले, क्योंकि कंप्यूटर एक वल्नरेबल चीज है, राइट। अगर आप एक्सेस किसी को प्रोवाइड कर देंगे गलती से भी, तो वो जो है आपके यू नो प्राइवेट जो चीजें होंगी उसको वो देख सकता है, झांक सकता है, इवन उसको मैनिपुलेट कर सकता है, इवन उसका इस्तेमाल करके आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, जो अभी हमें देखने को भी मिलता है। सो विद कंप्यूटर्स
With computer storing so much of personal information is highly at risk of getting into hands of others, है ना? तो जब आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीजों को एक तरह से स्टोर करके रखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो सारी चीजें जो है वो गलत हाथों में भी जा सकते हैं. राइट, सो प्राइवेसी वायोलेशन मींस समवन एक्सेस यूजर्स डेटा सच एज प्राइवेट फोटोज डॉक्यूमेंट्स एंड शो इट टू द अदर पीपल विदाउट देयर परमिशन, है ना? तो प्राइवेसी वायलेशन का मतलब ही यही है कि कोई आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है और आपके डेटा को कोई शेयर कर रहा है किसी और के साथ विदाउट आपके परमिशन के, तो उसे हम कहेंगे लॉस ऑफ प्राइवेसी. राइट, वंस अ मैलिशियस पर्सन हैज एक्सेस टू द समवन्स पोटेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन दे कैन ऑल्सो एक्सेस देयर एसोसिएटेड ऑनलाइन अकाउंट्स और ऑल्सो कैन बी यूज आइडेंटिटी थेफ्ट टू ओपन अदर अकाउंट्स सच एज न्यू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अंडर देयर नेम, है ना? तो क्या होगा कि जब कोई आदमी जो खराब आदमी हो जो मैलिशियस पर्सन होगा वो क्या करेगा आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स होंगे उनको वो एक्सेस करेगा. आपने सुना होगा मेरा फेसबुक हैक हो गया, मेरा ट्विटर हैक हो गया, मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया, बैंक अकाउंट से पैसे गायब होंगे. ये तभी होता है जब कोई गंदा व्यक्ति जब कोई मैलिशियस पर्सन यू नो इस तरह की चीजें करता है हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है. कई बार वो क्या करेगा कि चूंकि उसके पास सारी डिटेल्स है आपकी तो आपके नाम पे नया क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेगा. क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के बाद क्रेडिट कार्ड से सारे खर्चे कर देगा, डेबिट कार्ड इशू करवा लेगा, डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे सब उड़ा देगा, है ना? तो इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं कंप्यूटर के होने से, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है. राइट, थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज का, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स. तो वायरस अटैक्स आपने सुना ही होगा, है ना? जब भी कोई अच्छा चीज होता है तो उसके साथ बुरी चीजें होती हैं. तो जब आप डेटा को स्टोर करके रख रहे हो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास वेबसाइट्स हैं तो वहां पे वायरसेस भी होंगी. तो वायरसेस एक किस्म का वर्म होता है और हैकिंग एक तरीके से सिंपल बना देता है वायरस को. वायरस आपके कंप्यूटर को एकदम खराब कर देता है, वायरस आपके कंप्यूटर को एकदम वल्नरेबल बना देता है कि कोई भी आपके फोन कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है. सो वायरस इज अ टाइप ऑफ वर्म एंड हैकिंग इज सिंपली एन अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर कंप्यूटर फॉर सम इलिसिट पर्पस, है ना? तो वायरस का मतलब तो आपको पता चल गया, हैकिंग का मतलब होता है कि कोई आपके फोन में आपके लैपटॉप में अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, मतलब आप परमिशन आपने दिया नहीं है बट फिर भी कोई आपके फोन को या फिर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा है विदाउट योर परमिशन और फॉर इलिसिट पर्पस, मतलब किसी खतरनाक किसी खराब काम के लिए, तो उसे हम कहेंगे हैकिंग. वायरस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट. वायरस जो है वो एक तरीके से ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आपको ट्रांसफर करके भेजा जा सकता है. व्यूइंग एंड इनफेक्टेड वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट वाया पोर्टेबल डिवाइसेज लाइक यूएसबी पेन ड्राइव, इन सारी चीजों के जरिए भी आपके फोन में आपके लैपटॉप में वायरसेस आ सकते हैं. Once a virus is transferred in the host computer, it can infect and overwrite existing files stored on the computer. है ना? तो जैसे ही आपके कंप्यूटर में यू नो वायरस आ जाएगा वो आपके कंप्यूटर को एक तरीके से इन्फेक्ट कर देगा और ओवरराइट कर सकता है आपके फाइल्स को, जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है वो एक तरीके से जो वायरस है वही आपके डॉक्यूमेंट्स को करप्ट करना स्टार्ट कर देगा या ओवरराइट करेगा या उसको वल्नरेबल बना देगा. Cyber attacks can range from installing spyware on a personal computer to attempting to destroy the infrastructure of the entire nation. है ना? तो cyber attacks जो है वो generally हो सकता है कि आपके personal computer का जो spyware है वहाँ पे एक तरीके से एक तरह का software जो है install करके आपके computer को खराब करने की कोशिश की गई, या फिर sometimes ये पूरी की पूरी company का जो पूरी की पूरी country का जो infrastructure ही है उसको भी तबाह कर सकता है अगर बड़ा कोई cyber attack होता है. तो आपने ransomware का नाम सुना होगा, कुछ सालों पहले ही अटैक हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेटा जो है वो चोरी हो गया था और जिसका एक्सेस जो है यू नो खराब गंदे लोगों को मिल गया था जो कि एक तरीके से आपके पैसे उड़ा ले रहे थे. राइट, फोर नंबर है साइबर क्राइम्स. तो साइबर क्राइम्स भी बढ़ गई है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी में लोग ध्यान भी दे रहे हैं लेकिन तो इसके साथ क्राइम्स भी बढ़ गई है. विद द इमर्जेंट टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम्स आर एट राइज इन एवरी सिंगल फील्ड, है ना? तो जब भी कुछ नया होगा देखना उसके साथ बुरी चीजें भी होने लगती हैं. तो साइबर क्राइम इज वन ऑफ द बुरी चीज दैट हैपेंस विद द कंप्यूटर, है ना? लोग कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करते हैं, डेटा अगर आप वो आपकी चोरी कर लेंगे तो वो डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड कर सकते हैं, तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा. साइबर क्राइम इज बेसिकली अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क इज इन्वॉल्व. साइबर क्राइम एक तरह का क्राइम होता है जहाँ पे एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क जो है इन्वॉल्व होता है. दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, और ये जो है वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर्स का. राइट, इट इंक्लूड्स क्राइम्स सच एज साइबर स्टॉकिंग. मतलब आप साइबर स्टॉकिंग कर रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो ऑनलाइन, आप किसी का पीछा कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो, आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हो, किसी से किसी का आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रहे हो. जैसे कि आपको पता होगा कि सलमान खान तो एक ही है लेकिन उनके नाम पे जो पेजेस हैं फेसबुक में ट्विटर में बहुत सारे हैं. राइट, तो वो सारे तो उनके नहीं है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी उनकी चुराने की कोशिश की जा रही है. लॉस ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है. रिपरकशंस ऑफ दोज कैन बी ह्यूज टू द यूजर्स, और इसके जो असर होते हैं, है ना, इन साइबर क्राइम्स का जो असर होता है वो बहुत ही ह्यूज हो सकता है यूजर्स के ऊपर.
सो दीज आर द फोर डिसएडवांटेजेस जो कि मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।